गुजरात टाइटन का तेज गेंदबाज हिमाचल का बॉलर, क्या हालचाल है? पर एंड ब्लॉग वार्म अप का टाइम हो चुका है, अब कर रहे हैं वार्म अप, अब सेशन के बाद मिलते हैं। मेरी थोड़ी और इंग्लिश, ऑल गुड सर। मिचे भाई, यस यार, एक चीज दसनी थी, बताओ। गाड़ा तो मैं भी हूँ, पर तुझे तो बेड़ा गर्क पे आया थोड़ा सा यार। तो लंच के बाद हम बोल रही है फिटनेस, तो ये इस ग्रुप तो पहले इस ग्रुप की बारी, क्योंकि कल से हमारे मैचेस चैलेंजेस, तो आज मैं को थोड़ा फिटनेस करा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया फिटनेस। और ये देखो, और सेकंड ग्रुप की बारी, यहाँ पे पूरे तैयार है हमारे मिस्टर राघव भाई, तुलिपा भाई, तैयार हो भाई हो सारे तुम लोग? देख लो जरा, देख रहे हैं कि बस फिटनेस सेशन के बाद हमारे खिलाड़ी रिलैक्स करते हुए, और आंगरा जी, बख्शी, आर्यन पूरे रिलैक्स कर रहे हैं, पूरी फिटनेस की है भाई, थक गए यार बाजी आज, और मैंने पूरी किया है। आंगरे थक गए? बिल्कुल बाजी, जोर लग गया। बख्शी कैसा रहा फिर? गुड रहा भाई, बहुत गुड रहा, बहुत बढ़िया बख्शी यार। विनय भी है, विनय ने बहुत पसीना भाई। विनय कैसा रहा फिर? इट्स अ गुड सेशन, वेरी गुड यार। मेरी थोड़ी और इंग्लिश, ऑल गुड सर। जी रिलैक्स कर रहे हैं, और मैं भी डिनर के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, और टीम आ चुकी है, और हमारी और बड़का जी जा रहे हैं चंडीगढ़ जेपी तरह खेलने, तो मतलब कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और हमारे को आया हुआ है बेस्ट विशेस देने हमारा यार दोस्त डागी बॉय, मिस्टर बंच डागी आया हुआ है, बस हमें बेस्ट विशेस देने यार कि हम जा रहे हैं, क्योंकि इनके मैचेस यहाँ पे, तो हमारे अभी चंडीगढ़ मैच होने हैं, तो डागी फिर ऑल द बेस्ट तेरे को भी भाई, अब तुम्हारे मैचेस इधर भाई। लास्ट टाइम जब हम खेले थे तब भी जेपी अत्रे जीत के आए थे, इस बार फिर से जीत के आओ और बढ़िया परफॉर्मेंस करो, फिर जल्दी मिलेंगे और जहर फेंकेंगे। बस थैंक यू डैगी, तैयार है फिर? और तैयार ही रहना मुंडा तेरा, फुल तैयार है, बस अप्पा भी तैयार है फिर, और अब मिलते हैं आपको फिर कल, और ब्लॉग को आप लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब। हमारी अब जी पेत्र की प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है, और हमारे साथ साइड आर्म मिस्टर पुनीत सैनी, जो कि आप दिखा दो इनके हथियार, 150 तो नॉर्मल फेंकते हैं, और इनकी टैलेंटेड हाथ है कि दोनों हाथ से फेंकते हैं। सैनी साहब, दूसरे हाथ से कितने फेंकते हो लेफ्ट हैंड से आप? 120-125। तो आप मतलब ये बहुत बड़ी बात है, टैलेंट है ये चीज़ ना, बहुत कम लोगों में होता है। तो ये हमारे साथ में हमारे दूसरे बुप्पी भाई, बुप्पी भाई, बुप्पी भाई ऑडियंस को हेलो बोलो। और यहाँ पे हमारे लड़के पूरे तैयार होते हैं जी पेत्र, खुशी देख लो एक बार इनके चेहरों में, क्योंकि इस बार हमने जीतना है जी पेत्र, और मैं भी तैयार। वार्म अप का टाइम हो चुका है, अब कर रहे हैं वार्म अप, अब सेशन के बाद मिलते हैं। सर हमारा गुजरात टाइटन का तेज गेंदबाज हिमाचल का बॉलर, क्या हालचाल है? पर एंड ब्लॉगर एंड कैप्टन ऑफ सोलन, वेरी नाइस पर्सन, नाइस टू मीट यू, आई एम फाइन थैंक यू। बड़े टाइम, कैसे आप? एक साल बाद मिल रहा है पुलर, अरे बहुत, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई बंटी भाई से मिलके, इतना अच्छा कर रहे हैं यहाँ हर फील्ड में, चाहे वो ब्लॉगिंग हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो विकेट कीपिंग, कोई भी चीज में पीछे नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी चीज का। पुलर बड़े टाइम बाद मिला यार, बड़ी खुशी हुई। अब करते हैं पुलर साथ गप्पे, और कहते हैं तो हमारे साथ अब मेन्यू दादा, हैप्पी बर्थडे आपको यार। थैंक यू बर्थडे दादा का, और दादा बहुत 100 साल जियो, थैंक यू ढेर सारी आपको तरक्कियाँ मिले, मैं तो दुआ करूँगा। और दादा का है बर्थडे, और हम जा रहे हैं, मेरा हो गया प्रैक्टिस सेशन ख़त्म, और ये चलाया मैच। फिलहाल मेरी हो चुकी है सेशन ख़त्म, अब है थोड़ा स्ट्रेचिंग टाइम और मसाज टाइम, तो मेरे साथ है मसाजर बिरजू भाई, जो हमारे साथ 6 सालों से जुड़े हुए हैं, शायद ज़्यादा हो गया टाइम। तो बिरजू भाई, तो आपने इतना टाइम दे रहे हो हमारे को, जो हमारी बॉडी पूरी टाइट हो जाती थी उसको पूरा रिलैक्स करते हो, बहुत धन्यवाद, और पूरे मन लगा के काम करते हैं बिरजू भाई। बिरजू, कुछ कहना चाहोगे आप? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, अच्छा लग रहा है, और रहने का मौका मिला। चलो धन्यवाद बिरजू भाई, तो मतलब ना हमारे साथ हमेशा पूरे स्पोर्ट में खड़े होते हैं बिरजू भाई, जब भी कभी होता है कुछ भी टाइट हो जाती है बॉडी, तो बिरजू भाई हमेशा कम से कम कई बार तो 7-8 लड़कों को मसाज देते हैं, तो बहुत दम लगता है, तो बहुत हम शुक्रगुजार हैं बिरजू भाई। तो ग्लेटिया जी आ गए हमारे, ग्लेटिया मेरा बचपन का यार, साथ ही क्रिकेट शुरू की थी हमने, और ग्लेटिया आ गया। ग्लेटिया
हाय बंटी भाई, मतलब कि मैं आपको मैं बता दूं एक बात ना यार, मैंने और ग्लेटी ने अकेडमी में साथ थे, हम तो बचपन से हम साथ थे, स्कूल भी साथ जाते थे और हम बेस्ट फ्रेंड होते थे और साथ ही क्रिकेट खेले अभी भी। और मतलब बड़ी अच्छा है कि ग्लेटी बहुत अच्छा बॉलर, मैं चाहता हूँ कि भाई तू ऐसे ही परफॉर्म करे हिमाचल के लिए ऐसे ही, और तेरा करियर वैसे फ्यूचर ऐसे फ्लरिश हो बस। थैंक यू बंटी, थैंक यू। हाँ, और इधर राणा जी, राणा जी जन्मदिन बहुत मार के, थैंक यू थैंक यू। तो हमारी पार्टी है यार, पार्टी है, तो राणा जी ने कोल्ड कॉफी पिलाई है हमारे को, तो राणा जी धन्यवाद, क्योंकि हम नशा पत्ता तो कुछ करते नहीं है, तो बस यही है। तो ग्लेटिया जी क्या है फिर साल, इस साल मेरे को लग रहा है आप बहुत बढ़िया करोगे। बस दुआ रखना बंटी भाई, फुल दुआ है भाई, फुल सपोर्ट है अपना तो ग्लेटिया तेरे को, मतलब मारते हैं गप्पे यार इसके साथ ग्लेटिया। तो यहाँ साइड हमारे लगे हुए है, तो इधर बुप्पी भाई, तो बुप्पी भाई ने मेरे को ठीक प्रैक्टिस कराई, बुप्पी और सैनी ने, तो थैंक यू सैनी बुप्पी। और मेरा हो गया है सेशन ख़त्म, और क्योंकि बहुत बढ़िया प्रैक्टिस रही है, क्योंकि आज जा रहे हैं हम जेपी अत्रे टूर्नामेंट खेलने, और जो हमारी टीम है एक हिमाचल की वो जेपी अत्रे जा रही है, तो अब जाते हैं इसके बाद, क्योंकि आज मैंने कहा ट्रैवलिंग डे था हमारा, तो मैंने कहा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस की, तो अब निकल रहे हैं, अब निकलेंगे लंच लुंच करके वापसी चंडीगढ़ की तरफ, क्योंकि परसों से है वहाँ पे मैच हमारे, और ये चला हुआ मैच। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते क्या होते, गुंडे होते? क्या होते, गुंडे होते? नहीं, अभी तो बोलते गुंडे होते, बदमाश राजपूत, शुरू थे बदमाश है। जब भी लड़े देश के लिए राजपूती लड़े, सेना में भी राजपूताना महबल सबसे आगे होती है। अभी तो तू बोलते बदमाश, ये तो स्वर्ण वाली बात निकल रही है, बदमाश बदमाश हो। अब निकल चुके हैं हम टूर्नामेंट के लिए, जेपी अत्रे टूर्नामेंट के लिए, जो कि चंडीगढ़ में है, हमारी हिमाचल की टीम बन चुकी है, और अभी रास्ते में निकल चुके हैं, ढाई बज चुका है तकरीबन, तो अब जाते हैं थोड़ा वहाँ पे, अब प्रैक्टिस भी कर दी आज पूरा, मतलब पूरा दिन ना यूटिलाइज कर दिया आपने ना, ज़िंदगी में हो सके ना अपने दिन को ना पूरा यूटिलाइज कर देना है यार, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप ट्रैवल में जा रहे हो तो कुछ अपना प्रैक्टिस ना करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि कल के दिन भी हमारा शायद प्रैक्टिस का सेशन एक लगेगा, तो पूरा दिन फ्री है, क्योंकि 50 ओवर मैच है ना, तो जान बहुत लगेगी, तो वो रिकवर भी चाहिए, उसकी रिकवरी भी पूरी चाहिए, वो बस अब निकल रहे हैं, देखो कब तक पहुंचते हैं हम, बाकी रास्ते में देते रहेंगे आपको अपडेट। शॉर्टकट से जाना है, एक शॉर्टकट है हमसे ना, मतलब 5-6 किलोमीटर का है, हमके पास से भी अंदर से शॉर्टकट है, उसके बाद एक अंदर से शॉर्टकट है, तो अभी टैक्सी वाला जा रहा है सामने आके, देखो गाड़ी ना जरा, अब इसके साथ देखते हैं, अब इसके साथ जाएंगे हम, ये यहाँ से जाना है, यहाँ से है वो शॉर्टकट, यहाँ से निकलेंगे हम, जरा वो इधर से भी जाता है रोड़ा, इधर से भी एक शॉर्टकट, चलो देखते हैं जरा, लेट्स सी। फ्लाईओवर, नंगल का फ्लाईओवर खुल गया है भाई, फाइनली बड़े टाइम बाद नंगल का फ्लाईओवर भाई, क्योंकि ना यहाँ पे देखो हम तो पहली बार जा रहे हैं, क्या है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, और ये फ्लाईओवर में हम एंटर किए, और अब और हम चल पड़े, बस अब भाई बहुत थके थके उठाए, थके झेले लोगों ने यार, ट्रैफिक नंगल में, मतलब हर इंसान एक एक घंटे फंसता था, और हम एक मिनट शॉर्ट कर दिया इस फ्लाईओवर में, ये फ़ायदा हुआ है, एक मिनट शॉर्ट कर दिया फ्लाईओवर में, क्या है भाई। तो रास्ते में आया हुआ है ब्रेक टाइम, और हम जा रहे हैं बर्गर किंग में बर्गर खाने, और ये अपने बंदे अंदर ऑर्डर दे रहे, बक्सी हमारा खा रहा है फ्रेंच फ्राइज, कॉफी कह रहे हैं क्या, खा तो रहा है फ्रेंच फ्राइज, और इसको देख लो ये कहाँ तैयार, वेलिंगटन यार कुछ भी नहीं खा रहा है, मतलब ये बाहर की चीज़ें बहुत बढ़िया है, आई लाइक योर डिसिप्लिन भाई, बहुत बढ़िया है, यही है ना अपने, सबसे बड़ी बात हो क्या, अपने दिमाग को कंट्रोल करना है खाने की चीज़ों के लिए ना, अगर आपने दिमाग को कंट्रोल कर लेना, आपकी गेम में भी वो चीज़ रहती है कि जिस टाइम आते हैं ना थॉट के मैच कि मैंने बाउंड्री के लिए जाना है, तो वो चीज़ें कंट्रोल करती है, तो यही चीज़ें हो तो बना एक आंख वेल्डन, वही हमारे ऊपर बल्ले वहाँ देख लो मेरा कहाँ कॉफ़ी फुल प्राइस, मैंने भी बहुत देर से कंट्रोल किया हुआ था।
फिलहाल चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और ये है हमारा होटल तुलीप। बहुत होटल के बारे में नहीं बोल सकता मैं, राघव भाई बोलेंगे हमारे होटल का। राघव भाई ठीक है, टाइम बिताना है बस, टाइम बिताना है, कांट डू एनीथिंग। और ये हमारा ओए ओ इधर तो आ यार, अरे यार इसको नहलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा राघव भाई इसको। और हम आ चुके हैं अब बाहर, थोड़ा सा गप्पे शप्पे मारे क्योंकि मौसम है ठीक, होटल के बंद कमरों में मतलब यू नो थोड़ा सा बाहर टहलो और देखो ज़रा चंडीगढ़ के नज़ारे ने पटाया, तो है ये लाइन, तो बस ये अब की बैठे हैं बस। और डिनर के बाद थोड़ी वॉक करे थे, उसके बाद बस बाहर मैं और राघव भाई गप्पे मारते, होटल के रूम बहुत बड़े हैं तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं थोड़े गप्पे मारते हैं।